अभी तक गाड़ी की परफॉर्मेंस चल रही है टनाटन, कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी में, गाड़ी बढ़िया चल रही है। चलाने पे डिपेंड है, कैसी जगह पे चलाओगे तो वैसी गाड़ी है, जैसी जगह पे चलाओगे वैसी परफॉर्मेंस। हाँ, इतना है मीटर 20-20। और तो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज हम करने जा रहे हैं अपना नेक्सॉन का एक साल का जो इसका ओनरशिप एक्सपीरियंस रहा विद इन वन ईयर, वो कैसा था और कैसा वो था वो बता देंगे आपको थोड़ी देर में, ठीक है? तो रुकिए, थोड़ा वीडियो पे कंसंट्रेट कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, गाड़ी आपने देख ली, गाड़ी है नेक्सॉन, गाड़ी के नाम पढ़ के ही आप चैनल पे आए हैं, तो गाड़ी ये है खड़ी नेक्सॉन, और चला के भी दिखा देंगे, पिछली वीडियो में भी दिखाया था, वो भी देखो पहले जाके यार। सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे भाई, सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई, कर लो लाइक कर दो, कुछ तो करो, 3 घंटे वाला बटन दबा दो कम से कम यार। तो अब करते हैं शुरुआत गाड़ी की। तो गाड़ी में भाई ऐसा है कि गाड़ी को लिए हो गए 1 साल से ज़्यादा, पिछले मार्च में ली थी, इस मार्च में हो गया 1 साल। अभी तक गाड़ी की परफॉर्मेंस चल रही है टनाटन, कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी में, गाड़ी बढ़िया चल रही है, और गाड़ी चला दी है भाई 12,000 किलोमीटर, और 12,000 किलोमीटर में ऑफ रोडिंग भी की है और हाईवे पर भी चलाई है, दिल्ली गुड़गांव के चक्कर लगे हैं 3-4, और बाकी गाड़ी गई है भाई काजा, और काजा वाला ब्लॉग भी देख लो, वो भी डला है चैनल पर। और गाड़ी बढ़िया चल रही है, स्मूथ चल रही है, गाड़ी की 3 सर्विस हो चुकी हैं, और बाकी आप गाड़ी की हालत देख सकते हैं। वाइट कलर में ली थी मैंने, वाइट कलर अच्छा लग रहा था मेरे को तो वाइट में ले ली, आपको जो उस वाले में पसंद हुआ वो वाला ले लेना, ठीक है? और नंबर है भाई अपना HP 28। तो वीडियो बना के दो, देख भाई इतने अंधेरे में हम, देखो इतना तूफान चल रहा है यार, हम ब्लॉग बनाने आए हुए हैं वो भी खेतों में। तो आप थोड़ा सा ऐसा है मित्रों कि चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो में बातें होती रहेंगी, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी के बारे में तो बता देंगे, गाड़ी कहाँ जाएगी, गाड़ी यहीं रहेगी। तो आज धोई भी है वैसे, देखो दिख रही है चमकती हुई, दिख रही है ना, धोई है भाई, धोई है आज गाड़ी। तो गाड़ी जैसे बताया कि 12,000 किलोमीटर तो चल चुकी है, अब 12,000 किलोमीटर में प्रॉब्लम कोई नहीं आई अभी तक, और ना कोई गाड़ी ने एक्स्ट्रा काम मांगा, बाकी सर्विस करवा दी है तीसरी सर्विस का कॉस्ट पे एक वीडियो अलग से बनाया है, तीसरी सर्विस में क्या क्या हुआ वो भी वीडियो बनाया है, वो भी चैनल पे देख लो जाके, लिंक डिस्क्रिप्शन में वो भी डाल दूंगा। और बाकी उसमें भी खर्चा 4,000 के करीब आया था, वो जो थर्ड सर्विस का खर्चा था जिसमें तेल वगैरह चेंज हुआ था, तो वही खर्चा था गाड़ी का। बाकी भाई माइलेज का बताऊँ तो माइलेज तो ऐसा है भाई कि हाईवे पर देखा जाता है मीटर 20-20, और अपना अगर मीटर लोकल रोड में चलाएं या ऐसे ऑफ रोडिंग चलाएं तो भाई 10 भी दिखा देता है, 8 भी दिखा देता है, बाकी चलाने पे डिपेंड है, कैसी जगह पे चलाओगे तो वैसी गाड़ी है, जैसी जगह पे चलाओगे वैसी परफॉर्मेंस मिलेगी। अगर हाईवे पे चलाओगे 6th गियर में इको मोड में डाल के तो 21-22 की मैं निकाल लेता हूँ, और अगर ऐसे रोड पर चलोगे, ऐसी खेतों में घुसाएँगे गाड़ी, तो स्पोर्ट्स मोड में पहले गियर में चलाओगे तो 10 और 8 की माइलेज भी देती है। तो भाई ये तो आपके चलाने पर डिपेंड है गाड़ी माइलेज कितनी देगी। तो और बाकी भाई गाड़ी की अच्छाइयाँ ये है कि गाड़ी ग्राउंड क्लियरेंस ठीक है तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं, ऐसे सब जगह चली जाती है गाड़ी, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और दूसरा जो है, और अब गाड़ी का अगर मैं बताऊं कि इसके वीक पॉइंट क्या है, तो वीक पॉइंट ये है भाई कि गाड़ी में है जो ये वाला पिलर है, ए पिलर गाड़ी का, इससे है ब्लाइंड स्पॉट, और ब्लाइंड स्पॉट है भाई बहुत ज़्यादा ब्लाइंड स्पॉट है यहाँ से। मतलब कई बार ऐसा होता है मोड़ पे तिखे टर्न पे जो इधर से गाड़ी दिखती भी नहीं है कि गाड़ी आ रही है नहीं आ रही है, तो ये एक प्रॉब्लम है। और इस तरफ की थोड़ी जजमेंट भी दूर है इस गाड़ी की थोड़ा, और बोनट वगैरह तो वैसे अच्छा दिखता है, ड्राइविंग पोस्चर अच्छा है, मतलब बिल्कुल एक कमांडिंग पोजिशन है जिस जो आपको चलाने में आनंद देगी, बिल्कुल मज़ा देगी। और बाकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, लोग टाटा को ऐसे बदनाम करते हैं, मेरे को तो अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई, भारी भरकम गाड़ी है, बढ़िया चलती है रोड पर, दौड़ती है एक नंबर, 6th गियर में डाल दो अपने आप बढ़िया चलती है भाई रोड पे, माइलेज 20-22 दे देती है, पेट्रोल वेरिएंट है भाई ये तो, पेट्रोल में 20-22 दिखा देता है, ऑडोमीटर तो 18-19 तो दे ही देता होगा भाई, तब भी बहुत बढ़िया है, 1400 किलो की गाड़ी है इतनी माइलेज दे रही है, ठीक है भाई। बाकी टाटा वाला ने गाड़ी बढ़िया बनाई है, ये XM वेरियंट है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी बता रखा हूँ आपको, ये XM वेरियंट है इसका। तो अभी अगर अभी कुछ जानना है फ्रेंड्स वीडियो में, और अगर चाहते हो आपकी कोई और वीडियो बनाऊँ मैं इसके लिए, तो मेरे को एक बार आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि किस टाइप की वीडियो चाहिए आपको, तो वो वीडियो भी बना देंगे। बाकी मौसम भाई बहुत बढ़िया हो रहा है, मौसम देखो आप, मौसम हो रहा है एक नंबर, ठीक है? आज मेरे को लग रहा बारिश होने वाली है, और मेरे साथ जो कैमरामैन है इसको अभी घर जाना था, ये भी यहीं खड़ा है बेचारा,
नहीं वैसे तो मज़े ले रहा है, मौसम के मज़े ले रहा है लड़का। बाकी ऐसा है दोस्तों कि ब्लॉग आगे और आते रहेंगे, ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी कर देना। बाकी कैमरामैन के नाम पे लाइक कर दो, कैमरामैन पीछे बैठा हंस रहा है और सोच रहा है भाई कि क्या करूँ मैं है। तो दोस्तों वीडियो में देखने के लिए धन्यवाद, आपको कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आगे आने वाले समय में आपको और बेहतरीन वीडियो लेके आऊँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स।